नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Moto G42 वर्सेस Xiaomi Redmi Note 10S का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो G42 में 6.32 इंच जबकि Note 10S में 6.31 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। विड्थ की बात करें तो G42 में 2.89 इंच जबकि Note 10S में 2.93 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो दोनों फोन में सेम ही 0.32 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो G42 में 174.5 ग्राम्स जबकि Note 10S में 178.8 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है, जो कि सेम जैसा ही है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो G42 में 6.4 इंचेस जबकि Note 10S में 6.43 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो G42 में 83.89% जबकि Note 10S में 83.53% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो G42 में 411 पिक्सल प्रति इंच जबकि Note 10S में 409 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो G42 में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और Note 10S की बात करें तो इसमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो G42 में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Note 10S की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो G42 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं, और Note 10S में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो G42 में Adreno 610 जबकि Note 10S में Mali G76MC4 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो G42 में Qualcomm Snapdragon 680 और Note 10S में MediaTek Helio G95 मिलता है। बात करें RAM की तो G42 में 4 GB की RAM मिलती है जबकि Note 10S में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6 GB, 6 GB, 8 GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो G42 में 64 GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Note 10S में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64 GB, 128 GB, 128 GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो G42 में अप टू 1 TB जबकि Note 10S में अप टू 512 GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो G42 में Android V12 जबकि Note 10S में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो G42 में 2 कलर्स जबकि Note 10S में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो G42 में 1 ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जो कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 13,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें Note 10S की तो उसमें 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 6 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 14,999 रुपीस
6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 16,499 रुपीस, 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 17,499 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो Moto G42 में 8 फायदे और 8 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Xiaomi Redmi Note 10S की तो उसमें 4 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में Note 10S आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में Note 10S आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo Y15s 2021 है, दूसरा Tecno Spark 8P है, तीसरा Moto G22 4G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Nokia G21 है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।